शांति समिति की बैठक में बोले एसडीओपी, बोले कोई गलती करे तो छोड़ेंगे नहीं, शांति बनाने की आमजन से की अपील। नगर में आगामी त्योहारों को लेकर बुधवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। एसडीएम अनुकूल जैन, एसडीओपी विनोद दीक्षित, तहसीलदार शिवराम कनासे, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल व थाना प्रभारी गोपाल मेघवाल के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति बैठक रखी गई। बैठक में ईद उल फितर व अक्षय तृतीया को लेकर जानकारी ली गई। एसडीएम अनुकूल जैन ने कहा कि पूरे ब्लॉक में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर शहर के साथ गांव को भी चिन्हित कर रहे हैं। जहां संवेदनशीलता है वहां पर शांति समिति की बैठक कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाले। माइक व लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, किसी के द्वारा भी कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं ईडीओपी विनोद दीक्षित ने कहा कि किसी ने डीजे बजाया तो कार्यवाही जरूर होगी। शासन प्रशासन सख्त है, कोई भी भड़काऊ नारे नहीं लगाए, अगर किसी ने फिजा बिगाड़ी तो छोड़ेंगे नहीं। त्योहारों को आपसी भाईचारा व शांति सौंदर्य के साथ मनाए। वहीं ईद पर मुस्लिम समाज में चल रहे समारोह नहीं निकालेंगे, दो चार मिलकर नमाज पढ़ने जाए। इस दौरान दिलीप पटेल, राजेंद्र रामदेव, पंकज जाटले, सुरेंद्र सोलंकी आदि लोग मौजूद रहे। सुनील पटेल ने एक रिपोर्ट। ये हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, शांति व्यवस्था और हम आप लोगों से भी उम्मीद रखेंगे तो समय हमको कोई बोलेगा नहीं साहब, कोई बोलेगा तो अपनी बेइज्जती कराएगा। मैं मानूंगा ये ओपनली इसलिए बात कह रहे हैं ताकि आप लोगों के ज्ञान में आ जाए। तो कृपया करके अगर गलती करे कोई भी कोशिश करो, वो चीज़ नहीं होगी तो फिर भाई कारो। त्योहारों को लेकर क्या शासन प्रशासन के दिशा निर्देश है? देखिए आज अभी हम लोग चैनल मीडिया में पूरे संपूर्ण अनुभाग के क्षेत्र अंतर्गत जो है हम ये प्रयास कर रहे हैं पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर सभी आमजन के सहयोग से कि पूरे अनुभाग में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी तारतम्य में हम न केवल जो हमारे मुख्यालय तहसील मुख्यालय हैं, हम उन गांवों को भी चिन्हित कर रहे हैं जहां पर संवेदनशीलता है, वहां पर हम शांति समिति की लगातार बैठकें आयोजित कर रहे हैं और जो शासन से हमको निर्देश प्रदत्त हुए हैं और जो जिला प्रशासन से हमें लगातार नवीनतम निर्देश प्रदत्त मिल रहे हैं उन्हें हम अवगत करा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से जो है हमारे आश्रम को आगामी समय में रखना है कि पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे अंतर्गत कि किसी प्रकार का कोई जुलूस न निकले और यदि किसी को कोई आयोजन करना है तो वो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूर ले। और एक बात यहाँ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लगातार तत्परता के साथ फ्लैग मार्च, ड्रोन के द्वारा निगरानी और शांति समिति की बैठकें और ऐसे बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे हैं जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहे। और यदि कहीं पर कोई सूचना मिलती है किसी के द्वारा कोई गड़बड़ी करी जा रही है, किसी के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का ऐसा कार्य करा जा रहा है जिससे कि शांति भंग होगी तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक थी, क्या दिशा निर्देश है सर? सभी आज जो शांति समिति के सदस्य आए थे उनके माध्यम से समाज में मैसेज देने के लिए एक हमने निर्देश दिए कि वर्तमान में गाइडलाइन है जिसमें कि डीजे का जुलूस नहीं निकलना, डीजे में कोई आपत्तिजनक बातें नहीं बजना, संभव हो तो डीजे नहीं बजाना और किसी भी प्रकार के जुलूस में किसी प्रकार के नारे आदि का उपयोग ना हो, जुलूस जल से ना हो, इस संबंध में अभी है क्योंकि खरगोन जिले में एक बार झंझट हो चुके हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए आगामी त्योहार के बाद दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।